हेलो प्यारे बच्चों, मैं कबीर आश्रम सकरी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। आप लोग काफ़ी समय से मुझे जानते हैं। मेरा नाम अनिल है। आज मैं आप लोगों को कुछ नई बात बताना चाह रहा हूँ। वर्तमान में अभी कबीर आश्रम सकरी रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ मैं, और यहाँ चार बच्चे भी रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं। बच्चों यहाँ अपने आसन पे आकर के बैठ जाओ। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। आज की दुनिया में भी बच्चे गुरुकुल की परंपराओं को अपना करके गुरुकुल के परंपराओं को अपना करके एक नए ढंग से जीवन जी सकते हैं। जैसे ये चार बच्चों की मैं बात बताना चाहूँगा। मैं ये चार बच्चे ऐसे हैं जो अपना नए ढंग से जीवन जीते हैं। बैठने का ढंग भी अलग रहता है, सोना भी अलग होता है, खाना पीना भी अलग होता है, सहज जीवन और बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। आपको बताऊं इन बच्चों के बारे में, ये बच्चे 6 से 7 क्लास में हैं। अभी इन लोगों को उम्र लगभग 11 से 12 साल के बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं। गुरुकुल में जो सिस्टम होता है उसी अनुसार से जो मिलता है वो खा लेते हैं, जो दिया जाता है वो प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, प्रेम से भोजन कर लेते हैं। हमारे आश्रम परिसर काफ़ी बड़ा है, उनकी पूरी सफाई करते हैं। और आश्रम परिसर ही नहीं, हर जगह की सफाई करते हैं। यहाँ रहते हैं आप, इस कमरे को भी देख सकते हैं, इनके कोई मम्मी पापा यहाँ नहीं है। हम लोग रहते हैं, हम लोग के साथ में जो भोजन मिलता है उसको खा लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं। इनके आप व्यक्तिगत जीवन भी इतना सुंदर है। आप देखिए इनका आसन कैसे लग रहा है। घर में जब बच्चे सोते हैं और बूढ़े बुजुर्ग सोते हैं तो बिस्तर से उठते हैं तो आसन में सिकन होता है, करवटे बदलते रह जाते हैं, नींदियां नहीं लगती है। इन लोगों का आसन देखिए कितना व्यवस्थित ढंग से रखा है, सामान कैसे रखा है। ये व्यक्तिगत हर बच्चों के लिए अलग अलग आसन है, अलग अलग आसन है, अलग अलग टेबल है। बच्चे इधर रख कर के पढ़ाई करते हैं। इनके पुस्तकें हैं, ये हमारे बच्चे का पुस्तक है। मैं आपको अलग अलग परिचय दे दूं। ये इनका नाम है जयम। क्या नाम है आपका? जयम। जयम किस क्लास में है आप? 7। 7 क्लास में। आप पढ़ करके क्या बनना चाहेंगे? कोई टारगेट अभी नहीं है। ये बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? अनुराग पटेल। अनुराग पटेल, पढ़ करके क्या बनना चाहोगे? अभी डॉक्टर बनना चाहूंगा। यहाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। भोजन जो मिलता है अच्छा लगता है सब? हाँ। घर में भी वैसी था कि यहाँ वैसी है? नहीं, घर में ना मम्मी पापा बनाते थे, उसको ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा बोलता था, और हाँ। यहाँ सब कुछ खा लेते हैं संतों के बीच बैठ कर। अच्छा अच्छा लगता है, चलो ठीक है। आगे बढ़ो, आगे चल करके क्या बनना चाहोगे? अनिल साहब का शिष्य। अच्छा, मेरा शिष्य बनना चाहोगे? ओके ओके ओके। मेरे शिष्य बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कर पाओगे? सब कर पाओगे? मेरे शिष्य बनने के लिए गाड़ी धोना पड़ेगा, आश्रम की सफाई करना पड़ेगा, सब कर लूंगा। और प्रवचन करना पड़ेगा, कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, देश विदेश घूमना पड़ेगा। कर सब लो, कर लूंगा। कर लोगे? अच्छा चलो, अच्छा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो, और मेहनत लगन और उत्साह और प्रेम से करते रहो। आगे आपका क्या नाम है? राघव। राघव, किस क्लास में हो? 6 में। आगे पढ़ करके क्या बनना चाहोगे? पेंटिंग कार। वो कारपेंटर बनना चाहोगे? ओके ओके ओके। आर्टिस्ट बनना चाहोगे? ओके। आपका क्या नाम है? छवि छवि कुमार, किस क्लास में है? 7। आपका एज क्या है? 12। 12। ओके ओके। अभी ये बच्चे छवि कुमार और हमारे ये जयम,
दोनों बच्चे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1.5 माह रह करके आए हैं, गुरुदेव जी संतों के सानिध्य में रह करके। अब इन बच्चों का देखिए, मैं बता रहा था कि बच्चे अपना मेहनत खुद करते हैं, सफाई खुद करते हैं। आप एक एक बच्चे का बिस्तर देख सकते हैं, कितना व्यवस्थित बिस्तर है। ये ऐसी रोज रहता है, आज की बात नहीं है, ऐसी रोज रहता है बिस्तर। इनके पुस्तकें देख रहे हैं कैसे सिस्टम से रखा हुआ है, सामान से सिस्टम से रखा है। ये है छवि कुमार का है, ये है राघव का है, अपना रखा है सामान। इसमें पूरा पुस्तकें चारों बच्चे के लिए चारों टेबल रखा गया है, अपने अपने टेबल में रख करके पढ़ाई करते हैं। मैं आपको बताऊं और इंट्रोडक्शन थोड़ा, ये बच्चे कच्चा घड़ा की तरह होते हैं, कच्चा मिट्टी की तरह होता है। जिसको जिस आकार में देना है मिट्टी को, उसी आकार में आप ढाल सकते हैं। ये बच्चे भी वैसे हैं। ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों को जैसा वातावरण मिलता है उसी रूप में बच्चे तैयार होते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, जब किसी के घर में बच्चे हों, दो चार बच्चे हों और मम्मी पापा के बीच में रह रहे हों, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है, खिलौना दिया जाता है, पर भी यदि बच्चा रोना बंद नहीं करते हैं तो क्या दिया जाता है बच्चों? मोबाइल दिया जाता है। ये बच्चे भी जानते हैं क्योंकि ये बच्चे वैसे करके आए हैं। लेकिन इस अवस्था में, जो वर्तमान में अभी 11 और 12 साल की अवस्था में, आज बच्चों को सबसे ज्यादा लत पड़ती थी लोगों की, शराब की लत सुना था, लेकिन मोबाइल की लत। लेकिन ये चार बच्चे ऐसे हैं जिसको मोबाइल नहीं मिलता है, लेकिन ये बच्चे को दिन कैसे निकलता है पता भी नहीं चलता है। बहुत दिन जैसे लगता है क्या? नहीं लगता ना। ये बच्चे खेलते खाते मस्त पढ़ते लिखते अपना, सुबह स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन बच्चों का समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इतना सुंदर जीवन। शुरुआत करूं इनकी जिंदगी की गाथा। ये बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे नहीं, 4 बजे के पहले। मैं रोज सुनता हूँ इनका अलार्म, बगल कमरे में मैं रहता हूँ, इस कमरे में 4 बच्चे रहते हैं, इसके पीछे कमरे में हमारे संत श्री उमेंद्र साहब रहते हैं, हम लोग चार बच्चे और उमेंद्र साहब और मैं, हम लोग 6 लोग ऊपर मकान में रहते हैं, नीचे और गुरुजन रहते हैं। ये बच्चे 4 बजे के पहले पहले अलार्म बजता है और उठ जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, स्टूडेंट लाइफ में 80% स्टूडेंट अलार्म भरते हैं, लेकिन हर बच्चे का अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही 70% बच्चे अलार्म बंद करते हैं और अलार्म बंद करके पुनः सो जाते हैं। ये बच्चे अलार्म बंद करके नहीं सोते हैं, अलार्म बंद करते हैं, उड़ते हैं और किसी दिन खुशी से हमारे साथी कह देते हैं, आज सोना चाहो तो सो जो, तब कोई दिन सो जाएंगे जिस दिन छुट्टी रहेंगे उस दिन, अन्यथा सोते नहीं है, उठते हैं 4 बजे उठना। जो बच्चे अभी माता पिता के संरक्षण में होते हैं लेकिन उतना विकास नहीं कर पाते, उतना विकास ये बच्चे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये बच्चे 4 बजे उठते हैं, उठने के बाद में सुबह स्नान करते हैं, सुबह 5 बजे के पहले पहले चारों बच्चे स्नान कर लेते हैं। चारों बच्चे के लिए अलग अलग बाथरूम है, इसके पीछे सभी के लिए बाथरूम बना हुआ है, अपने अपने बाथरूम में सभी बच्चे स्नान करते हैं, अपने अपने बाथरूम की सफाई करते हैं, अपने कमरे की सफाई करते हैं। उसके बाद में 5 बजे से 5:30 बजे तक ध्यान करते हैं, 5:30 बजे ध्यान खत्म होता है। उठने के बाद में अपने बच्चों को बता दिया गया है यहाँ थोड़ा सफाई कर लेना, पूरे आश्रम परिसर की, पूरे बच्चे चारों बच्चे सफाई करते हैं आश्रम परिसर की। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करते हैं, लगभग 9:15 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। अपना इस आश्रम के थोड़ी ही दूर में, करीब 200 मीटर बगल में एक स्कूल है, सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, बच्चे पढ़ करके कितना परसेंटेज लाएंगे, कितना योग्य बनेंगे, खुद की काबिलियत होती है और इस पर मेहनत करने पर होता है। इन बच्चों को ट्यूशन चाहिए, मेहनत समय देने वाला चाहिए, उतना समय देने वाला नहीं होने पर भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी काबिलियत है ये। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे तो मैं समझता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के साथ में गलत माहौल नहीं है, यहाँ किसी के साथ टकराहट नहीं होती है, किसी के साथ लड़ाइयाँ नहीं होती है, वो शांत माहौल में ये बच्चे जी रहे हैं और मस्त होकर के जी रहे हैं। मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आज मोबाइल की लत
ये बच्चे भी मोबाइल चलाते रहे अब तक घर में रहे तब तक, लेकिन अब इस साल यहाँ नए एडमिशन लिए हैं और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और शायद यहाँ अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अच्छे से रहे तो लगभग अभी 6 से 7 साल यहाँ रुकेंगे। अभी 2 12वीं क्लास तक यहाँ पढ़ेंगे बच्चे, तब तक इनके अंदर जो इंक्लूड करना चाहिए, जो संस्कार भरना चाहिए, जो संस्कार अर्जित करना चाहिए, वो संस्कार इनके अंदर छप जाएगा, इनके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तब बच्चे कैसे होंगे आगे भविष्य उनके हाथ में होता है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, अपने बच्चों को संस्कार की परिभाषा सिखाए, अपने बच्चों को जीने का तरीका सिखाए, अपने बच्चों को अपने घर की सफाई, अपने माहौल की सफाई, अपने माहौल में रहने का तरीका सिखाइए, अपने बच्चों को अपना बिस्तर आसन, ये बच्चे का कपड़ा कोई नहीं देते हैं, हर 1 सप्ताह में ये बच्चे अपना बेड साफ कर लेते हैं, बेडशीट धो लेते हैं, कपड़ा तो हर 2 दिन में धोते हैं। कौन सिखाया है? खुद सीखे हैं, बताया गया है, संत लोग बताए हैं, उसके बाद करते हैं। आज ये बच्चे अब कहीं भी जी सकते हैं। आप सोच सकते हैं जो 11 12 साल का बच्चा है वो बिना माँ बाप के माता पिता के इतना अच्छा से रह सकते कहीं भी। आपको बताया था मैं कि ये जयम और हमारे साथी ये छवि अभी 1.5 माह इलाहाबाद में रह करके आए हैं। आप लोगों को ऐसे संस्कारित जगहों पर बच्चों को ले जाना चाहिए, सिखाना चाहिए, कर्म कांड और पाखंड से अलग रखना चाहिए। बच्चे कोई कर्म कांड और पाखंड में नहीं उलझेंगे। ये बच्चे को पूछा जाए भगवान होता है नहीं, ये सही उत्तर देंगे, भगवान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, एकदम करेक्ट उत्तर। लेकिन भगवान होता है, आपको विश्वास है? लेकिन असली भगवान कौन है? आप बिल्कुल एकदम सही, कौन? गुरु, मम्मी पापा और गुरु असली भगवान है। आज हमारे भारत में 80% लोग सिर्फ जिसमें 0 है उसमें जाकर के समाहित होना चाहते हैं, जहां 0 है वहां पानी डालना चाहते हैं, जहां 0 है वहां से आशीर्वाद चाहते हैं, जहां कुछ नहीं मिलना है वहां से सब कुछ चाहते हैं। लेकिन ये बच्चे जान चुके हैं कि असली माता पिता ही गुरु है, असली भगवान माता पिता ही है, संत गुरु जन है। ये बच्चे के गले में आप देख रहे हैं ये कंठी है, एक गुरु दक्षिणा है, गुरु का दिया हुआ चिन्ह है, ये गुरु ने दिया है उसको पहने हैं। ये देखो ये बच्चे कंठी पहने हैं, दिखाओ बच्चे, ये कंठी है, ये बच्चे भी पहने हैं लेकिन कपड़े कमीज के अंदर है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें। अब बच्चे का बैठने का तरीका भी देखिए, आप कैसे बैठे हैं, मैं जितना देर से बोल रहा हूं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने व्यस्त बैठे हैं बच्चे। देखिए इनका भी देखिए कैसे बैठे हैं, पद्मासन में बैठ करके पढ़ाई करते हैं और सुबह नीचे बैठते हैं तो पद्मासन में ही बैठते हैं, आधा घंटे तक पद्मासन में बैठते हैं। आप अपने बच्चे को बिठा करके देखिए कैसे पद्मासन स्ट्रिक्ट है, एकदम रीढ़ का हड्डी सीधा हुआ है, ऐसे सिखाइए बच्चों को, तब कहीं बच्चे, और निश्चित ही जिस बच्चे को ये पता है कि असली देवी देवता माता पिता ही है, संत गुरुजन है, क्या वो माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बच्चों को कुछ अध्यात्म की पाठशाला सिखाइए, गुरुकुल में ले जाइए, आप वहाँ रह करके सिखाइए। कभी आप वहाँ बच्चे को नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम बीच बीच में सप्ताह में 15 दिन में महीने दिन में बच्चों को ले जाइए, वहाँ दिखाइए कैसे संत जन सेवा श्रद्धा और साधना के सोपान करते, सेवा श्रद्धा और साधना ये 3 सोपान है जो विकास की ओर ले जाता है, ये 3 सोपान है। जो बढ़ना चाहता है वो सेवा करेगा, श्रद्धा करेगा और साधना करेगा। ये बच्चे सेवा भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं और साधना भी करते हैं। साधना सुबह से आधा घंटा ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, पूरे आश्रम परिसर की सफाई करते हैं। उसके बाद में आज छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन है, छत्तीसगढ़ में पोला का त्यौहार होता है, पोला का त्यौहार, उसमें बच्चों को पूरे सारे स्कूलों में छुट्टियां रहती है, तो आज बच्चे छुट्टी है लेकिन बच्चे खेल नहीं रहे हैं। शाम को खेलते हैं, सुबह खेलते हैं थोड़ा, उसके बाद में बच्चे स्टडी करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं। आप भी सभी से निवेदन है कि आप इन बच्चों की तरह संस्कार दीजिए, आपके बच्चे आगे बढ़े, बहुत पैसा कमा पाए या ना कमा पाए लेकिन कम से कम नेक इंसान बने, इन बच्चों की तरह साफ दिल हो, क्योंकि बच्चे वहां पलते हैं।
आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जो चीज बच्चों को नहीं सिखाते बच्चे वो चीज भी सीखते हैं। क्यों कह रहा हूं ये चीज? क्योंकि आप आपस में पति और पत्नी लड़ते हैं, सास और बहू लड़ते हैं, भाई और भाई लड़ते हैं, देरान और जिठान लड़ते हैं, बच्चे लड़ाई तो देखते हैं और आपके अंदर से जो तरंग वाइब्रेट हो रहा है, जो तरंगायित हो रहा है, पूरा आपका मकान तरंगायित होता है, आपका माहौल पूरा तरंगायित होता है, उस तरंग में पूरा बच्चे तरबतर होते हैं। तो क्या बच्चे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे? यहां वैसा कोई तरंग नहीं है, यहां वैसा कोई तरंग नहीं है, यहां किसी से लड़ाइयां नहीं होती है, बात विवाद नहीं होते हैं, सब यहां जितने संत रहते हैं थोड़ा सेवा कार्य कर देते हैं, फिर अपना अपने 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 कमरे में रह करके अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जीवन के लिए बहुत संपत्ति भी नहीं चाहिए, जितना सहज हो पैसा कमाना चाहिए बुरा नहीं है, लेकिन लड़ करके झगड़ करके सिकवा और शिकायत करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बच्चे इन माहौल में पलते हैं और तरंगायित नहीं होते हैं। आपके बच्चे घर में आप लड़ते हैं, घर में आप लड़ते हैं, बच्चों को बच्चों बच्चों के पास एक तरंग जाता है, पति और पत्नी लड़ते हैं, एक नया तरंग बच्चे उस तरंग से उस तरंग में नहा रहे, स्नान कर रहे हैं, समझिए। आप रोज लड़ते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे, यहां क्या लड़ाई होगी? आप बच्चों से पूछना चाहूंगा, आप यहां कितने महीने से, 3 महीने से हैं लगभग? कोई दिन आपने लड़ाई देखा है संतों के बीच में? कोई लड़ाइयां होती है? मैं निश्चित ही कहना चाहूंगा, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा पाठशाला, मैं यहां की प्रशंसा नहीं हो तो संत गुरुजनों की कृपा है, जो हम लोग को लड़ना ही नहीं सिखाए हैं, जीना सिखाए हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को सही ढंग से जीना सिखाइए, सही ढंग से जीवन का उद्देश्य बताइए, तो निश्चित ही आपके बच्चे विकास करेंगे। आप सभी को सादर संप्रेम साहेब बंदगी। अंतिम में मैं कुछ बच्चों से कुछ कहा नहीं हूं, लेकिन एक बार कहता हूं, बच्चे कबीर की एक साखी बोल सकते हो? साखी याद है कोई? साखी बोलो, एक साखी कोई भी जो याद है उसको बोल दो। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। और याद है? याद तो और होगा, क्योंकि मैं आपसे और सुन चुका था बहुत सारा। अब हमारे साथी जयंत से सुनते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्लाय होगी, बोरी करेगा कब। थैंक यू। और याद है? चलो, आपको याद है कोई साखी? हाँ बोलो, चलो दूसरा साखी है कबीर। कोई भी हो। गुरु गोविंदो कड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। हाँ आपको छवि? बोल तो अमोल है, जो के बोले जान, किलो तराजू तोर के तब मुहारान। हाँ और याद है आपको? और याद है, मुझे पता है, बहुत सारा आपसे सुन चुका हूँ, आप बोलिए। और कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय। थैंक यू। और बोलोगे? हाँ एक मिनट, पहले छवि से सुन लेते हैं। हाँ, खड़ा बाजार में पूछे सकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। हाँ और बोले, कबीर मन तो एक है, जैसे से अंकुर, निंदा दोष के बाहर में झूठे रंग न भूल। थैंक यू। इस तरह से आप लोग अपने बच्चों को सिखाइए और बहुत अच्छे आगे बढ़ाइए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इन विचारों को सुनिए, बच्चों को गुरुकुल में ले जाइए, पाठशालाओं में ले जाइए और अच्छे संस्कार दीजिए। मैं 2 मिनट आपको आश्रम का परिचय देना चाहूंगा, मैं आश्रम का थोड़ा सा झलक दिखाना चाहूंगा, मैं ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा। ये हमारा आश्रम है, ये इसके संचालक पूज्य श्री गुरजतन साहिब जी है। ये लगभग 2003 में स्थापित हुआ है। हमारा सत्संग हाल है, लगभग 100/50 का ये सत्संग हाल है। यहाँ जो भी संत भक्त आते हैं उनका निवास रहता है। और इधर भी है, आश्रम का परिसर काफी बड़ा एरिया में है। ये हमारा जो सामने आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ, ये शिशु संस्कार भवन है। आज से 4 साल पहले यहाँ शिशु संस्कार भवन लगता था, लेकिन कोरोना काल से बंद हो चुका है। और ये नीचे हाल है, जहाँ ध्यान कक्षा है, ध्यान होता था नीचे, और यहाँ भी संतों का निवास होता है। मैं ऊपर में हूँ अभी, ये शिशु संस्कार भवन है, ये संतों का इधर पूरा निवास होता है। आप सभी को सादर संप्रेम साहेब बंदगी।